साज सजावट, ये खिलखिलाते चेहरे और ये खुशनुमा माहौल, वजह भाई वजह है बेहद खास, जिसने सभी के दिलों को एक बार फिर कर दिया है एक। दरअसल आज है नन्ही सानवी का जन्मदिन। सभी की लाडली सानवी आज हो गई है पूरे एक साल की, तो ऐसे में जश्न तो बनता ही है। विहान की मौत के बाद पहली बार इस हवेली में कोई खुशी मनाई जा रही है, साथ ही परिवार की इस खुशी में इमली भी शामिल हुई है। सर पर ताज और चेहरे पर मुस्कान, भाई मानना पड़ेगा कि सानवी आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है। वैसे बर्थडे केक के बिना हर जन्मदिन होता है अधूरा, तो चलिए अब नजर डालते हैं सानवी के शानदार केक पर, जिसे काटते हुए सानवी नजर आई बेहद खुश। पहले पापा और फिर मम्मा दोनों के हाथों से सानवी ने खाया अपना बर्थडे केक। साथ ही इस पल को याद रखने के लिए पूरी फैमिली ने क्लिक करवाई पिक्चर्स। चलिए अब चलते हैं सानवी के पापा यानी कि सूरज के पास और जानते हैं आज के खुशनुमा माहौल के बारे में। क्योंकि ये पहला जन्मदिन है तो बहुत ही स्पेशल है, तो पूरा घर सजाया गया है, यहाँ बहुत सारी मस्ती हो रही है, तो एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। वैसे सूरज, आपने सानवी के बर्थडे के लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं? डांस मतलब वो जो बच्चों की पार्टी में होता है वैसा ही मस्ती मजाक वाला डांस हो रहा है, ज्यादा कुछ तो नहीं। बेसिकली सब खुश है, पुरानी जो भी चीज़ें हैं दुख है उनसे उभर के आगे बढ़ने का एक डिसीजन ले लिया है। जाते जाते जरा ये भी बता दीजिए कि पार्टी में हमने इमली के चेहरे पर थोड़ी परेशानी भी देखी, इसके पीछे कोई खास वजह? अभी तक तो यही था कि वो चकोर को विमान की रेत का रीजन मान रही थी, बट उसने भी अब समझ लिया है, ऐसा चकोर को बोला गया है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वेल, फिलहाल तो वक्त है खुश होने का, खुशियां मनाने का, नाचने का और गाने का। परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है जो आती जाती रहती है। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।